है छोड़ने की बात करियो ना, पक्का पक्का बताओ किसके साथ चक्कर है तुम्हारा? कैसे आई तुम्हारी ये मुंह पे बात? मेरे तो कभी भी नहीं आती ऐसा। हाँ तो मैं जितना भी लड़ाई करूं तुम्हें छोड़ने की बात कभी नहीं आती, ठीक है? मतलब लड़ाई करके मुंह बना के बैठ सकता हूँ 1 साल 2 साल, पर एक साल दो साल एक साल दो साल इससे बॉटल से मारूंगी मैं तो। क्या मैं बस बस बात नहीं करूंगा तो बाकी सब तो कर लूंगा। क्या बोला मैंने? प्यार कर लूंगा ना बिना बात करके, क्या होगी? चुप पागल। What's up guys, welcome back to my channel and you're watching Mr. Abhi TV React, and if you're new to the channel, please subscribe to the channel, like this video and don't forget to turn on that notification bell. Let's go guys, let's go for 50k yaar, official IUJ ko official reaction channel. सो गाइज के छ हालकोबाट सबैजना एकदम ठिकै हुन्छ? हिजो रियाक्सन भिडियो आएन होला, सो सरी, तर आज आयो, आज आइहाल्यो होइन? त्यसपछि के गरिदिनुहुन्छ? अब चाहिँ चट्टो लाएर हिजो एकछिन लाइभ आएको रहेछ दुईजना, त्यही भएर दुईजना लाइभको चाहिँ अब रियाक्सन भिडियो गर्नु पऱ्यो होइन? त्यही भएर के कस्तो भयो त्यो त तपाईँलाई थाहा छ त्यस छ, तर फेरि पनि तपाईँहरू मसँग बसेर अब हेर्नु छुट्टै रमाइलो हुन्छ होइन? त्यही भएर आउनुहोस् बसौँ रमाइलो गरौँ अनि त्यसपछि आनन्द लाएर आयो जेको एकदम मधुर कन्भर्सेसन सुन। खोकीलाई यो खोक्नुपर्छ ल है त, लेट्स गो, लेट्स वाच एन्ड लेट्स रियाक्ट। व्लॉग बावजू आएगा, थोड़ा टाइम दे दो मुझे, मुझे अपने जिम में जो है ना बात करनी पड़ेगी अपनी कोच से, किस दिन लड़कियां कम होंगी एंड ऑल, फिर बनाऊंगी जिम व्लॉग। जिम व्लॉग, ओह नाइस यार, जिम व्लॉग इंटरेस्टिंग है। जिम में भी व्लॉग करते हैं? नहीं, इनको जानना है कि मैं क्या एक्सरसाइज करती हूँ, ये वो सारी चीजें, वर्कआउट वगैरह। तो जिम में क्या एक्सरसाइज कर रही है वो भी दिखाते, पागल फालतू। जेलस करो, मैं बहुत लूज कपड़े पहन के बनाऊंगी, ठीक है? अबाया पहन के बनाऊंगी। लूज कपड़े की बात नहीं होती पागल, तो तुम्हें मतलब जिम की क्या क्या दिक्कत नहीं पागल जैसी? लूज कपड़े देखो आप लोग। और ना मैं पता है उस व्लॉग को जो है ना वो क्या बोलते हैं सब्सक्रिप्शन ब्लॉग रखूंगी, जो लड़कियां होंगी सिर्फ वही देख पाएंगी, ठीक है? क्या बोला? चमट मार के मोटी को और फुला दूंगा। ब्रदर जेलस, देखो मैं कैसे बना ब्लॉग। क्यों बनाने है जिमी ब्लॉग? ये लोग बोल रहे हैं। कौन लोग? लिए कर रहे हो दूसरे के लिए कर रही हो? नहीं मैं तो आपके लिए कर रही हूँ। मेरे लिए क्यों? नखरे करती है मतलब दिन प्रतिदिन यार, सर पे चट के जा रही है। अरे इतनी जल्दी से क्यों? आधा दिन दे दी मतलब सर में चढ़ने लग गई। थैंक यू सो मच। यू कैन बी जेलसी क्यों हो रही है? जेलसी की बात नहीं है, मतलब सोचने की बात बता रहा हूँ मैं, समझदारी की। ठीक है यार, जिम ब्लॉग तो एक जमाना क्या था कि मतलब लड़की हो मतलब यार बस कुर्ता और उसके बिना कहीं निकलती नहीं थी। अभी के जमाने देखो जिम करा वही दिखाना है, इधर गया बीच गया उधर गया ये गया क्लब गया। मैंने कब मैकअप क्लब गई? नहीं नहीं बस बता रहा हूँ बात। मैंने तो बात। कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे आपको सर नीचे करना पड़े। रानी रानिया बस क्राउन में अच्छी लगती है, क्राउन और ग्राउंड में। ऐसा बंदा है जिस दिन इसने निकाह नामे पे साइन किया ना, ये बंदा मेरा टिकटॉक यूट्यूब इंस्टा देखना उस दिन बोलेगा बंद। अब तुम जो है घर में बैठो चुपचाप, ये इसकी स्माइल कर देना, देखो देखो इसकी स्माइल, के देखो 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 ये देखो 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 तो ये इसकी पूरी मम्मा वो पठानों वाली सोच होती ना, इसकी पूरी वही सोच है, बिल्कुल वही सोच है। एक बार हो गया बस तो फिर तू देख, है ना? ये
लो भाई अपना बोलेगा। टैप टैप करिए यार, 1 मिलियन लाइक्स तो हो जाना चाहिए थे यार, अभी तक आप लोग टैप टैप ही नहीं करो, बस हंसते जा रहे हो, हंसते जाइए यार। तब से यार मेरी इधर नस फूल गई है, बताते बताते आप लोगों नस फूल गई। और एक लड़की उधर से मतलब यार बस वो गाने मतलब वो सिकरी क्या आज पेन के आई है, वो देखा देखा के उधर फ्लेक्स कर करके इधर आंख मेरी मतलब अंधा होने वाला हूँ। अब इसके आदत डाल लो। अरे डाल लो, बस एक ही पहनो ना, या तो वो पहनो या तो ये पहनो। मतलब ऐसे गोल्डी गर्ल बन रही यार, गोल्डी गर्ल। पर ये वाली तो मैं चलो फिर उतार के रख दूंगी। हाँ वो वाली उतार के रखो, अभी वो वाली क्यों पहनी, ऐसे लग रहा है कि मंगलसूत्र पहना दिया मैंने तुम्हें। काश सून सून कैसे बता है ना गाइस। वैसे मेरी गर्दन डिजर्व तो करती है एक डायमंड मंगलसूत्र। जरा नखरे बात करो पागल। हामी यार डुबली ले कांतरण पर है। बड़े तुम्हें क्या लगती है कि मैं मतलब तुम्हें क्यों प्यार करता हूँ? थैंक यू सो मच, यू कैन डू इट मेरा दाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप मुझे क्यों प्यार करते हो? तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें मतलब तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें क्यों प्यार करता हूँ? क्योंकि क्योंकि मैं भी आपसे प्यार करती। नहीं मतलब जब आगे आगे की लड़की प्यार करेगी तभी मतलब मैं प्यार करूंगा, ऐसी नहीं होती, वन साइडेड लव भी होती है। क्यों तुम्हें तुम्हें मतलब क्या लगती है? पता नहीं, आप बताओ। जैसे कि मुझे तुम्हारे वो लगते है कि तुम मतलब बस मेरे बिना किसी मेरे सिवाय किसी और को नहीं देखती हो कभी भी। हाँ, नहीं किसी को भी। तुम्हारे तुम्हारे राय में मतलब मैं तुम्हें क्यों प्यार करता हूँ, क्यों लगते है? सेम सेम, क्योंकि मैं शायद ज्यादा टेंट्रम नहीं है मेरे, मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ। फ्लेक्सिबल थी तुम जब मोटी थी? बेबी मेरा मतलब किसी भी सिचुएशन में मैं फ्लेक्सिबल हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वो फ्लेक्सिबल। बोले सही है, तुम्हारी आंसर है सही है। नहीं आप बताइए, आप बोलो। मैंने तो अपना बताया ना, आप बताओ। तो मैंने अपना बताई ना, तो तुम्हें मतलब मेरे सिवाय कोई और नहीं दिखती। बेबी आया था बेबी, ये तो है, ये तो है ये तो कोई अच्छा है पे तुम्हारे लिए। मेरी कोई ऐसी आदत बताओ मतलब बहुत वो बहुत वो क्या बोलते हैं उसको, बहुत मतलब वेड वीड मतलब क्या बोलते हैं उसको यार, वेड टाइप का वेड। हाँ वेड क्या है, वेड ही बोलते हैं ना उसको, या रेड या जो मुझे अच्छी लगती है। नहीं अच्छी लगती है पर बहुत वेड टाइप का मतलब अजीब सी। ओके सो यू हैव अ बिग ईगो, ठीक है, लेकिन सुनो अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। यू हैव अ वेरी बिग ईगो, बट जब मैं तुम्हें आगे से बोलती हूँ ना कि जब अगर इतना ही है तो मुझे छोड़ दो, सो उधर जाके ना तुम्हारी वो ईगो खत्म हो जाती है। इट सीम्स वेरी वियर्ड कि अगर इतनी ईगो है तो तुम आगे से पता है क्या क्या बोलते, छोड़ूंगा तो नहीं, ये तो दिमाग से निकाल ही दो। सो ये चीज मुझे बहुत वियर्ड लगती है, अगर ईगो है तो फिर फुल ईगो रखो ना, इधर आके ईगो खत्म भी हो जाती है। सो ये वियर्ड तो प्यार वाली ईगो है ना, अगर वो वाली ईगो ध्यान नहीं होती तो पाल कब के छोड़ देता। मेरी बस प्यार वाली ईगो आती तुम्हारे लिए। हाँ तो वो ही अच्छी बात है ना कि वो आती नहीं ना। वही तो होना चाहिए ना, मेरी वो प्यार की ईगो है, तुम मतलब कुछ और ईगो समझ लेती हो। प्यार की ईगो और दूसरी टाइप की ईगो। वेयर्ड एक और चीज है, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि ना आइसोलेट कर लेता है बंदा अपने आप को। अब तो आप नहीं करते, लेकिन पहले जब शुरू शुरू में मुझे अजीब लगता था, लेकिन अब तो ओके, अब तो आदत भी हो गई और अब आप कम भी कर रहे हो वो चीज। हीरो ना लाइफ लेस सिकाउँदै जान्छ नि गाइस, हैन एवरीवन डबल टैप गाइस। गाइस हमारी तरफ से थोड़ा सा तो कंपटीशन दे दो यार, ये क्या हो रहा है यार। थोड़ी सी यार मेरे आसपास तो आ जाओ, ये क्या होती जा रही है आज। एक गेम जीत लो एवरीवन, सो जीत के टाइम टू नहीं तो सुन लो।
आज कोई मेरे आसपास नहीं आ सकता है। गाइज आप लोग टैप टैप क्यों नहीं कर रहे? 5 लाख वो भी नहीं हुई अभी तक यार ऊपर की। वन मैन कब की होने जोजान चाहिए थी यार, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट होने वाली अब तो। गाइस जो रोपाई की ब्लॉग है वो थोड़ी सी लेट आएगी ठीक है, क्योंकि मैं उसको अच्छी तरीके से रोपाई की ब्लॉग लाइक होती है ना कि वाइब देने वाली और अच्छी तरीके से वो आप लोग को देखने मजा आए और पूरा आप लोग की बाल्यकाल यानी कि वो अब हिंदी में तो उसको क्या बोलते पता नहीं, पर आप लोग की वो बचपन की यादें सब कुछ ताजे करने वाली इस टाइप की बनाऊंगा अच्छी तरीके से एडिट करके मस्त टाइम लगा के ओके लाइक बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो भी है और बहुत वो भी है जैसे कि मूवी सीरीज देख रहे हो आप लोग ओके क्या बोलते मोटू? हाँ ना तू अम्मी तो वेट कर रही है कब से, 2 दिन से बोल रही है कहाँ है व्लॉग। मैं सोच रहा हूँ कि कल से मैं मतलब नॉर्मल ब्लॉग बनाऊँ फिर से, और वो रोपाई की ब्लॉग जब मैं कहाँ जाऊंगा ना तब तक शायद आ जाएगी। भाई उन दोनों की गुड मॉर्निंग नहीं होती, आपस में दोनों एक दूसरे लड़ने लगते हैं। कौन की आदत हो गई है अम्मी अबू की, 1 महीने से तुमने आदत बना दी, अब नहीं है तो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तो दो भाई अपना ब्लॉग कॉन्टेंट ठीक है कल से बनाऊंगा, कल से बनाऊंगा या आज रात बनाया जाए कुछ। हाँ ना तो बनाओ ना यार, आज रात क्या बनाओ यार, गांव नहीं दिखती ना अभी तो बारिश हो गई, तो मैं फिसला यार कितनी बार, अभी मैं दुकान गया था बाजार कितनी बार फिसला। वो दोनों सो गए एडिटर भाई और वो नहीं, वो लोग अपने अपने लगे उधर, अपना अपने में लगे यार। हु नोज मी बेटर, आपको एक लिस्ट भेजी थी उसमें मैंने आपको पूरी चीजें लिखी थी। तुम्हें क्या वो बताने क्या वो जरूरी है, तुमने वो लिस्ट में जो जो लिखी मैंने अभी तक किया कुछ, अब ऐसी मतलब दिखा रहे की मतलब उसकी वजह से मेरी वो फॉलो रख लो, किनकि आउने दिनमा उहाँको म्याचहरू पनि हजुर सजिलो हुन्छ ल उहाँको म्याचहरूमा जानलाई। हाम्रो म्याच कहिले हो दाइ? हजुर यता के अरे डेट चाहिँ लेखिदिइराख्नु त, हाम्रो यता किरण दाइहरूले सबैजनाले यता ऊ गरेर राख्नुहुन्छ सबैजना मान्छेहरूलाई। ऐसे कर रही यार बात की मतलब एक मैच तो जीतते हैं ना, 3 मैचेस जीत गए वो लोग। हाँ तो क्या तुमने भी तो यार 10-12 मैच जीती थी, आज जीत के दिखाओ ना, बोले आओ ना भाई ब्लॉग रे, कल कल ब्लॉग नहीं आई गई कल, क्योंकि मैंने बस अभी वो उसमें टाइम दे रहा था, और अभी यार फिलहाल पता नहीं यार इतना मतलब यार बारिश ऐसी बारिश होती थी मतलब बाहर निकलो तो मतलब आप लोग को खींच के ले जाएगा टाइप की, इतना गंदा बारिश हो रही है। Guys, double tap, everyone. ऊपर से हमारे गांव है ना ये, तो गांव में क्या होती है कि सबकी मतलब पुरान पुरान घर है ना इधर काफी, हमारे भी एक पुरान घर है तो पुरान घर के जो हमने हुआ तो ऊपर जो टीन होती है ना टीन जस्ता, जैसे कि हमारे इधर किचन थी ना एक बाहर की किचन देखिये उसके बनी हुई जस्टी से वो क्या बोलते उसको जस्ता जस्ता पता है तुम्हें? जस्ता पत्ती पत्ती वो पत्ती ऐसे घर के ऊपर रखते ना वो बहुत गर्म होती है टीन टीन। हाँ, अगर वो उड़ मतलब ऐसे जब बारिश होती है और ज्यादा हवा वगैरह लगती है ना तो वो उड़ती है मोटू और क्या पता किसी कहाँ जाके लग जाए और वो कट गई तो कट गई तो ऐसे 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 उसमें मतलब बाहर नहीं निकल दे पागल गांव में। तो इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ, पर कल से मैं बनाऊंगा ऐसे भी हो जैसे भी हो ऐसे नॉर्मल ब्लॉग बनाऊंगा। पर वो जो वो रुपए वाली ब्लॉग है गाइस आप लोग को मिलेगी जरूर पर अच्छी तरीके से ओके। सही है, देखो आजे कहानी स्टोरी सब सारी। बोले आयुष को बोलो और क्वेश्चंस पूछे। क्यों मतलब मेरी क्वेश्चन क्या, मैं मतलब जब पूछता हूँ तो छप्पर फाड़ के पूछता हूँ। हाँ तो पूछो ना यार, हम सुन हम तुम जवाब ही नहीं दे पाती। अरे क्यों नहीं किया वाला जवाब नहीं दिया जवाब ही दे कर गिर रहे थे। मैं समझना पहले समझती हूँ फिर मैंने कहीं ऐसे कोई बोलना हो जाए ना कि आप हर्ट हो जाओ। यार मेरी मतलब आज के क्वेश्चंस बहुत सीरियस वाली आ रही है क्या? हाँ तो पूछो। अजीब यार गाइस बता एवरीवन बता, एक तो ऊपर से नेट भी लाल लाल आ रही है, अटक तो नहीं रहा ना मैं? बिल्कुल भी नहीं अटक रहा। अब ड्रामे मत करो। आय अब सच में अटक गया? ओ माय गॉड, अटक नहीं रही मोटी अभी। हेलो हेलो ठीक हो अभी? ग्रीन आई ना ठीक होगी अभी तो, पागल गई यार
अटक नहीं रही है बोल रही है और इधर अटक रही है मेरी नेट। मुझे लगा आप ड्रामे कर रहे हो ऐसे स्टाइल हो गए। गाइस ट्रिपल है ट्रिपल। गाइस ये वाला ट्रिपल हम प्ले करते हैं 26 रोजेस। बोलो ना पूछो ना चलो। हैव अ जरूर को पूछूं तो गाइस 26 रोजेस। तुम्हें क्या लगती है कि मतलब हमारी जो रिश्ता है ठीक है वो मतलब किस चीज से ब्रेक डाउन हो सकती है? ओह वेरी गुड क्वेश्चन यार। किसी चीज से नहीं बट एक चीज से। क्या? इफ यू विल गिव अप ऑन मी। गिव अप मेरी मेरी मुझे ही खींच के लाओ मुझे ही गलत बनाओ। एक दूसरे की बात कर रहा हूँ मैं एक मतलब उसमें बस एक ही गलती नहीं होती ठीक है। अगर मैं गलत हूँ तो तुम मुझे सही करके मतलब समझ में वो दिलान चाहिए। अगर तुम गलत हो तो मेरी किरदार बनती कि मैं तुम्हें समझा। ओ माय गॉड थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड अरे यूनिवर्स आ गया यार। अरे ये क्या अरे मेरो दाइ अहिले अहिले नगर्छु बरु अहिले एकछिन वीकली रैंकिंग स्टार्ट हुन लाग्छ अहिले 1:10 मा। थैंक यू सो मच मेरो दाई। ओ माय गॉड आज तो के दाई ऑन फॉर्म यार। थैंक यू सो मच यू कैन डू इट मेरो दाई। लव यू मेरो दाई। लव यू लव यू लव यू सो मच मेरो दाई। थैंक यू सो मच मेरो दाई। थैंक यू सो मच। आमो व्हाट इज दिस यार आज तो यार पूरा जोश में यार हमारे वन मैन आर्मी यार इधर से। थैंक यू सो मच यू कैन डू इट। लव यू मेरो दाई। लव यू मेरो दाई। लव यू मेरो दाई। एकदम धेरै माया गाइस इच एंड प्लीज फॉलो मेरो दाईलाई माथि हुनुहुन्छ। लेट्स मेक इट 11K यार। कमन हाँ मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा था। थैंक यू सो मच सब जाना। ओके ओके मैं बोलती हूँ। ओके सुनो नानू अरे अरे अभिषेक मामा सुनो ना आयुष क्या क्वेश्चन था आपका पीछे बोलो। तुम्हें क्या लगती है कि मतलब हम दोनों की जो ये रिश्ता है किस चीज से ब्रेक डाउन हो सकती है? वही मतलब हर रिश्ता पता है किस चीज से ब्रेक डाउन होता है झूठ और अगर कोई तीसरा आए तो इस चीज से क्योंकि हमने बहुत बड़ी बड़ी इन लोगों को तो हमारी फाइट्स का सिर्फ 1% पता है। जितना हमको पता है तो उतना तो इनको पता भी तो हमने जितनी फाइट्स मिलके सॉल्व किए तो कोई चीज नहीं है और सॉल्व करके हम दोबारा एक दूसरे से फिर ज्यादा प्यार करने लगते हैं तो वो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। झूठ और अगर कोई तीसरा बंदा आए तो वो तो कभी भी नहीं होगा। और एक और चीज है कि जो तुमने मुझे मैंने तो बोला ना गिव अप ऑन मी इसलिए बिकॉज हमारे रिश्ते में मैं ज्यादा एक्सप्रेसिव हूँ और मैं ज्यादा गुस्से वाली हूँ और मैं ज्यादा नखरे वाली हूँ और तुम मुझे संभाल के चलते हो तो जिस दिन तुम में ये चीज आ गई तो वो रिश्ता टूटने के चांसेस है। ये बोला मैंने बच्चियों में आते हम जैसे मतलब लड़कों में नहीं आती ऐसी चीजें मतलब तुम बोल तो जाओ तुम मैं तो अनफॉलो कर रही हूँ ब्लॉक कर रही हूँ जाओ जीओ अपनी मर्जी जिंदगी। दैट्स माय पॉइंट ना मेरी मतलब दिमाग ऐसे गिरती है ठीक है। उसके बाद जब ये लड़की बोलती कि मुझे जाओ तो उसके बाद मैं ऐसे गालियां देता हूँ और उसके बाद बोलता हूँ कि कल के कल आ जाऊंगे मैं दुबई। ऐसे करता है तुम्हें ये बात क्यों निकाल दी है कि छोड़ के जानी है पता है क्या बोलता है? हाँ नहीं मैं अभी बता रहा हूँ बोलता है छोड़ने की बात करी हो ना पक्का पक्का बताओ किसके साथ चक्कर है कैसे आई तुम्हारी ये मुंह पे बात मेरे तो कभी भी नहीं आती। हाँ तो मैं जितना भी लड़ाई करूँ तुम्हें छोड़ने की बात कभी नहीं आती ठीक है। मतलब लड़ाई करके मुंह बना के बैठ सकता हूँ 1-2 साल पर एक साल दो साल इससे बॉटल से मारूंगी मैं बस बात नहीं करूंगा तो बाकी सब तो कर लूंगा। क्या बोला मैंने प्यार कर लूंगा ना बिना बात करके क्या होगी चुप पागल कैसा बदतमीज आदमी। मैं इसलिए ये वाली बात बोलती हूँ ताकि आप ये ब्रेक डाउन करो अपने आप मतलब ये चीज खत्म हो और आप गुस्सा करो और हमारी बातचीत हो। मैं इसलिए ये चीज बोलती हूँ कितना बदतमीज होता है बातचीत पता नहीं जब भी मेरी नीड जा सकती है अजीब ना गाइस समझती नहीं यार मेरी बात ही जानला कष्टो यार ना भाई मैं सुते हैं। ओके यार लाइक कॉल यूनिवर्स पर जाए ना मजा आए। ओए होए किसको वे और किसको अभी नहीं अगर पढ़नी है तो
गाइज अगर आप लोग को ठीक है यूनिवर्स यूनिवर्स देने तो अभी ठीक एक घंटे के बाद प्लीज 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 वीकली अगर पता है अभी मतलब हमारे जस्ट डू इट डाई मतलब यू कैन डू इट डाई जो है ना यही यही जो अभी उनने अभी तक वो जो मुझे वो किए अभी तक सपोर्ट अगर वो अभी एक घंटे के बाद करते ना तो शायद में वन में हो जाता अभी वीकली वन में यू कैन डू इट दाई आपका 40 लेवल या 45 भी कर सकते हैं आयुष की लाइफ में यू कैन डू इट दाई मेरे भैया है नहीं मैं एक बात बोलूं वो तो मेरे लिए 50 ना कर दे पर मुझे बस जरूरत नहीं है लेवल उसने टिकटक की लेवल बनाया क्या जरूरत है कि उसको पढ़े प्लीज शादी करिए मैंने कहा कि मुझे जरूरत है कि तुम्हें पढ़े क्योंकि हमने शादी करनी तो प्लीज ज्यादा बकवास मत करो पागल गाइस डबल टैप एवरीवन आप भी पूछो ना अली से अपने देव की बात वो मेरे मेरी तरह क्वेश्चन नहीं कर सकती है लड़की कर सकती हो कि करके दिखाओ ना ओके मैं बस कभी कभार ही करता हूँ पर छप्पड़ फाड़ के कर देता हूँ ओके आपको आपको भी खाता हूँ मूंगफली आप लोग भी खाओ मूंगफली और दिमाग बढ़ाओ बदम अरे बढ़ गई गर्मी में मत खाओ दाना दाने आएंगे बारिश 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 हो रही है कहाँ से गर्मी है ये कौन अटोटो मार रहा है मेरी बीवी को ओके आपको मुझ पे क्यों इतना प्यार आता है आफ्नो बारेमा सुन्न मजा लाग्छ नि त आइस मतलब ये प्यार थोड़ा डिफरेंट वाला प्यार आता है ना आपको थैंक यू थैंक यू तो पागल जिस लड़की के साथ तुम एंगेजमेंट कर रही हो शादी करने वाले हो तो उसके साथ प्यार नहीं आती तो क्या आती है बिना प्यार के क्या मतलब कोई करता है क्या आजकल के जमाने में नहीं नहीं ये डिफरेंट वाला प्यार है कौन सी डिफरेंट वाला प्यार नहीं डिफरेंट वाला क्या डिफरेंट वाला वो जैसे बच्चे बच्चे से करता है हाँ तो तुम मेरे लिए मुझे क्या लगता है कि अब देखो एक बात ठीक है मैं तुम्हें पहले ही बताया हूँ ये तो कि तुम हो दूसरे घर से मैं हूँ दूसरा घर से ना तुम्हारी और मेरी ब्लड की रिश्ता है ना कुछ ना तुम मेरी मम्मी की हो ना मैं तुम्हारा मम्मी का हूँ रिश्ते मतलब रियलिटी में पर तुम्हारी क्यों मुझे मतलब तुम्हारे मतलब तुम्हें मतलब मैं किस तरीके से प्यार करता हूँ कि जैसे कि मेरा खुद का अपना ही पर हो तो नहीं पर मैं अपना कैसे बनाता हूँ तुम्हें कि तुम मतलब मेरी खुद की बेटी ऐसी लगती हो मतलब लड़की हो ना तुम तो इसीलिए मतलब अपनी खुद की बेटी होती तो मैं ऐसे ही प्यार करता जैसे मैं तुम्हें करता हूँ तो वही है बात तो अपनी अपनी लगती है एट द मोरल ऑफ द स्टोरी की अपना खुद का यानी कि मेरी खुद की बेटी को मैं जैसे प्यार करता हूँ उसी तरीके की प्यार तुम्हें आती है तो जब मैं तुम्हें प्यार करता हूँ तो मुझे दिमाग में वही आती है कि मेरी बेटी को मैं कितना प्यार करूंगा बाद में जाके बारिश हो गई मेरी बात सुन के इंद्रदेव धन्यवाद अरे यार वाह क्या बात है ब्लश करके गाल लाल करो और बैठो अब अभी तक मेरा दिमाग थी लड़की गाइस लाइव आंसर बोल लेती कि बस 10 मिनट ही आऊंगा जान प्लीज हाँ और मैंने बोला ओके कोई नहीं तो बोलते थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग उसके बाद भी तो कुछ बोला था क्या बोली थी उसके बाद माया माया बकरी है तो मैं कर दे मैं एनी माया ये क्या है तुम्हारे साथ बाद में ये हाँ ये क्या था पता नहीं उसमें से आया भनेपछि यिनीहरूको रिलेसन हामीसँग छुट्टै अर दुईजना सँगै हुँदा छुट्टै रहेछ गाइस त्यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो झन् क्लोज मतलब कोही बन्दा न ठीक है अगर हुन त हो अलिकति प्राइभेसी त हुन्छ प्यार करता ना कोही बन्दीको तो वो बन्दी को या तो अपनी माँ की तरह प्यार करता है या तो अपनी खुद की बेटी की तरह ये मतलब ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये वाइफ वाइफ वाली प्यार कहाँ से आएगी यार बस एक ही है वो बस नाम की वाइफ है मेरी नाम की मेरी गर्लफ्रेंड है वो होती है पर एट द एंड मतलब हमने जिंदगी में किया ही क्या एक तो माँ को प्यार किया है और बाद में जाकर अपनी बेटी या बेटे को प्यार करेंगे तो वही प्यार की मिक्सर है वाइफ वगैरह जो होती है
अगर तुम लड़की लड़की हो तो तुम मुझे अपनी मतलब मुझसे क्यों सेफ फील करते हो, क्योंकि जब तुम अपने अब्बू के साथ या अपने पिता के साथ होती हो तो तुम तब बहुत सेफ फील करती हो, क्योंकि पिता अपनी मतलब बहुत कंधे में बहुत चीज लेके चलते, तो उसी तरीके से एक लड़की से कर फील करने की वजह भी वही होती है कि अपने बंदे से, कि जब वो अपने अब्बू जैसे फील करे ना सिकर, तो वो भी एक रीजन होती है लॉजिक वाइजली सोची जाए तो। अब इतनी लॉजिक की बात तो मैं कभी कवर करता हूँ, है कि नहीं बोलो? सही है, राइट, अपने व्लॉग में भी गई थी कल, इतना ज्यादा रश था कि मैं जो है ना मतलब खड़ी नहीं हो पा रही थी मम्मी के साथ, तो मैं मम्मी को उस तरीके से किया हुआ था जैसे आप मुझे नहीं करते हो इस तरीके से करते हो आप मुझे, मैं बीच में होती हूँ और उस तरीके से मैंने किया हुआ था। एंड मैं आपको उस वक्त इतना ज्यादा मिस कर रही थी कि अगर अभी आयुष होता तो वो इस तरीके से करता और मैं और मम्मी होते बीच में। थैंक यू सो मच मेरा दाई, आज तो दाई 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 मेरा दाई अहिले अहिले नगर छु प्लिज मेरा दाई नगर छु नगर छु अहिले आज दाई देखियो पुरै एकदमै ऊ आज त भाइलाई म बिहोसे बनाउँछु लाइभमै भनेर आइसकिसक्यो कि कुरो मेरो रिसाइस है क्या हो मसँग मेरो ठ्याक्कै अहिले वान आवर ठ्याक्कै 50 मिनट्स के 60 मिनट्स बाँकी छ होइन यति हजुर फ्री हुन्छ भने चाहिँ। एन्ड गाइज मैले हजुर अस्ति नै भनेको थिएँ होइन, सायद त्यतिखेर हाम्रो दाई हुन्थ्यो कि थिएन, एउटा छिट्टै एउटा म्याच आउँदैछ होइन, हाम्रो दाई हुनुहुन्छ आफ्नै होइन, मैले एकदम राम्रोसँग चिनेको छु उहाँलाई, पहिलेदेखिको हुनुहुन्छ हामीसँग, सो है त्यो दिन त हामीले मचाउनु पर्ने हुन्छ धुमधाम है त, अहिलेदेखि नै तयारी सुरु गरिदिएर भित्रभित्र इन्तजामहरू धेरै कुराको ओके, मैले भन्नु त पर्दैन होला हजुरलाई होइन, त्यही पनि मेरी जो फर्स्ट वाली आईडी जो मुझे गिफ्टिंग कर रही है उनका नाम देखो क्या है, तो मैं उनको ये नहीं बोल रही बिकॉज मेरा मेरे बूढ़ो तो आप हो, तो मैंने उनको बोला थैंक यू सबई को बूढ़ो। नाम है तीसरा। सो गाइज भिडियो चाहिँ यति नै थियो, कस्तो लाग्यो भिडियो रियाक्सन भिडियो ठिक छ ठिक छ नि होइन, आउँछ टेन्सन अलिअलि टाइम हुने बित्तिकै रियाक्सन भिडियोहरू आइरहेको छ, अब नानी पनि अब एक्लै छ धेरै हाँस्यो भने फेरि नानी उठ्यो भने टेन्सन हुन्छ, म नानी हेर्न जान्छु। आजको लागि यति नै गाइज, होपफुल यु गाइज लाइक द भिडियो, इफ यु लाइक द भिडियो डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब टु द च्यानल, हेर्ने बित्तिकै लाइक गरिहाल्नु क्या है, अनि त्यसपछि सी वन द नेक्स्ट रियाक्सन भिडियो, इन्जोय है त, बाबा गाइज।